Hello students, this is your teacher Harpreet Singh. Today we are going to understand a topic that you find in your Oxford Practice Grammar, that is chapter 3, and the name of the topic is direct and indirect object. Direct and indirect object. This is the topic that we are going to do. First of all, we need to understand what do we mean by direct object. Direct object क्या है? ये हमने सबसे पहले जानना है. Direct object is the receiver of the action mentioned in the sentence. सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि object क्या होता है. आपको ये पता है कि एक sentence जो है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से बनता है. सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है. हम ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हम एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करें. जैसे कि एक सेंटेंस है, Emma gave a CD. इसमें वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है a CD. Emma ने एक CD दी. उसने क्या दिया? एक CD दी. तो CD क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, I will send a postcard. आपको ये समझ आ रहा होगा इस सेंटेंस को पढ़ते हुए कि जो जो ऑब्जेक्ट वर्ब के साथ सीधे कनेक्टेड हो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं. आई विल सेंड अ पोस्ट कार्ड. तो अगर आप हमने ये आइडेंटिफाई करना हो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो हम सिंपली ये देखेंगे कि वर्ब के साथ क्या चीज़ जुड़ी हुई है. अ पोस्ट कार्ड, मैं एक पोस्ट कार्ड दूंगा. इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वी बोट आइसक्रीम. आगे हम बात करेंगे अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी एक ऑब्जेक्ट है. द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइज द पर्सन थिंग फॉर हुम व्हाट द एक्शन ऑफ द वर्ब इज परफॉर्म्ड. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट, एक सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे. जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की एग्जिस्टेंस है वो बिना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के नहीं हो सकती. हमने पीछे सेंटेंस पढ़ा था एमा गेव अ सीडी. यहां पे सेंटेंस है एमा गेव रेचल अ सीडी. तो एमा ने सीडी किसको दी? रेचल को दी. क्या दिया था? सीडी दी थी. तो जो सीडी था, अ सीडी, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, और जिसको वो सीडी दी गई वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आपको रेड कलर में ये जो आपको वर्ड्स मिल रहे हैं ये आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे. ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये भी उस एग्जाम्पल के साथ मेल खाती है, उसके साथ मैच होती है जो हमने पीछे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए किया है, क्योंकि सेम सेंटेंस है, सिर्फ उसमें माई कजन ऐड किया है. आई विल सेंड माई कजन अ पोस्ट कार्ड. मैं अपने कजन को एक पोस्ट कार्ड दूंगा. तो सेंड अ पोस्ट कार्ड, अ पोस्ट कार्ड क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और किसको, किसके लिए था? मेरे कजन के लिए था. तो माई कजन जो यहां पर शब्द है वो क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो हमने डिफरेंस यही देखा. यहाँ पे मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की स्लाइड को दोबारा से निकाला है ताकि आपको समझ आ जाए, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि वही सेंटेंस हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीधे वर्ब के साथ डायरेक्टली जुड़ा होगा, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसका वो
ए उस इंसान की बात करेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको कोई चीज दी जा रही है। जैसे हमने बात की एमा गेव रेचल अ सीडी, तो रेचल यहां पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब हम आगे बात करेंगे जो हमें ग्रामर बुक में मिलता है। ग्रामर बुक में आपको ये पेज वहां पर शो हो रहा है। यहां पर आपको एक तस्वीर नजर आ रही है जिस जो कि हेनरी की है और क्लैरे की है। हेनरी गेव क्लैरे सम फ्लावर्स, हेनरी ने क्लैरे को कुछ फ्लावर्स दिए। यहां पर हेनरी क्लैरे को फ्लावर दे रहा है। आप इसमें हमें दूसरा एक सेंटेंस मिल रहा है, वो भी उसका मीनिंग भी सेम है। हेनरी गेव सम फ्लावर्स टू क्लैरे, दोनों सेंटेंस का सेम मीनिंग है। चाहे आप ये कह दो कि हेनरी गेव क्लैरे सम फ्लावर्स, या ये कह दो हेनरी गेव सम फ्लावर्स टू क्लैरे, दोनों ढंग से आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर बताया हुआ है कि जो वर्ब है पहले में हेनरी गेव क्लैरे में सम फ्लावर्स, इसमें जो वर्ब है इसमें दो ऑब्जेक्ट्स हैं। क्लैरे यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और सम फ्लावर्स यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ये तो हमने पहले भी कर चुके हैं। आई हैव ऑलरेडी मेड यू अंडरस्टैंड कि जो जिसका नाम जो होगा, जिसको चीज़ दी जा रही है, वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और जो चीज़ दी जा रही है वो हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा जो आपको नज़र आ रहा है कि सेम सेंटेंस था, हेनरी गेव सम फ्लावर्स टू क्लैरे, यहाँ पर गिव जो है वो डायरेक्ट, उसका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, सम फ्लावर्स, और टू के साथ क्लैरे शब्द जुड़ा हुआ है जो कि रिसीव कर रहा है। तो ऐसी ही कुछ आपको एग्जांपल्स मिल सकती हैं। आप उसमें दोनों ढंग से सेंटेंसेस बिल्कुल करेक्ट होंगे, पर एक तरफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का यूज़ होगा और दूसरी तरफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फ्रेज का यूज़ होगा जो कि टू या फोर के साथ लगे होंगे। तो एमा गेव रेचल अ सीडी, और इसी सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते हो, एमा गेव द सीडी टू रेचल। तो दूसरे तरह का जो सेंटेंस है उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, उसमें फ्रेज है जो कि टू या फोर के साथ लगा। बाकी एग्जांपल्स आप इसको देख सकते हो और आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा सेंटेंस है जहां पर दोनों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, और कौन सा वो सेंटेंस है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ फ्रेज लग रहा है टू और फोर के साथ। अब हम आगे बात करेंगे ग्रामर की जो बी एक्सरसाइज है। इसमें बताया गया है कि टू कहाँ पर लगेगा और फोर कहाँ पर लगेगा। हमने अभी पीछे किया कि जो सेंटेंसेस हैं वो टू और फोर के साथ बन रहे हैं, उनको बनाया जा रहा है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वहाँ पर टू के साथ और फोर के साथ वो नाम बताया जा रहा है जो कि जुड़ा हुआ है सेंटेंस में। तो यहाँ पे सिर्फ हम बात करने जा रहे हैं टू और फोर की, टू कहाँ पर लगेगा और फोर कहाँ पर लगेगा। वी गिव समथिंग टू समवन एंड वी बाय समथिंग फॉर समवन। वी कैन यूज टू विद दीज वर्ब्स। आपको ये रेड कलर में बोल्ड अल्फाबेट्स में ये वर्ड्स दिए हुए हैं, ब्रिंग, फीड, गिव, हैंड, लेंड, ऑफर, ओ, पास, पे, पोस्ट, प्रॉमिस, रेड, सेल, सेंड, शो, टेक, टीच, टेल, थ्रो, राइट। ये जो शब्द हैं इनके साथ हम टू यूज करते हैं।
let us have an example. Vicky paid the money to the cashier. Vicky paid the money to the cashier. तो ये जो है यहाँ पे paid शब्द के साथ, paid शब्द के साथ आपको to नज़र आ रहा है. इससे सेम सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, विकी पेड द कैशियर द मनी, विकी पेड द कैशियर द मनी. तो जो और के बाद जो एक नया सेंटेंस है वो असल में हमने पीछे किया, जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आपको नज़र आ रहा है और इनडायरेक्ट भी आ रहा है. जबकि जो पहला सेंटेंस था विकी पेड द मनी टू द कैशियर, ये सेंटेंस में टू और फोर जो हमने पीछे किया उस ढंग से ये सेंटेंस बना है. ऐसे ही और भी कुछ एग्जांपल्स हैं. बस हमने ये ध्यान में रखना है कि ये जो सेंटेंस क्रिएट हो रहे हैं ये ऊपर दी गई वर्ब्स के साथ क्रिएट हो रहे हैं. लेट मी रीड दिस न्यूज़ आइटम टू यू. अब जो रीड शब्द है उसके साथ भी क्या लगता है, टू लगता है. ठीक है, अब हम बात करेंगे फोर कहाँ पे यूज़ होता है. फोर यूज़ होता है इन इन शब्दों के साथ. हमें ये शब्द याद करने पड़ेंगे. ये शब्द हैं, फॉर यूज़ होगा बुक के लिए, ब्रिंग के लिए, बिल्ड के लिए, बाई के लिए, चूज़ के लिए, कुक, फेच, फाइंड, गेट, लीव, मेक, ऑर्डर, पिक, रिजर्व, सेव. इन शब्दों के लिए आप इन शब्दों के लिए फॉर का यूज़ होगा. दे फाउंड अ स्पेयर टिकट फॉर मी. या इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दे फाउंड मी अ स्पेयर टिकट. क्योंकि हम बात टू और फोर की कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ये जो शब्द है फाउंड, इस सेंटेंस में फाउंड वर्ब आ रहा था इसलिए यहाँ पर फोर का यूज़ हुआ. दे फाउंड अ स्पेयर टिकट फॉर मी. ऐसे ही आई हैव सेव्ड अ सीट फॉर यू. तो यहाँ पे फोर जो शब्द है वो सेव वर्ब के कारण यहाँ पे फोर आया. तो ये मेन डिफरेंस है. टू लगेगा ऊपर दी गई वर्ब्स के साथ जो एक बड़ी लिस्ट है, जबकि फोर जो है ये इन शब्दों के साथ लगेगा जो कि लगभग 10 से 12 होंगे. आगे हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड में. अब जो तीसरा जो रूल है ऑक्सफोर्ड ग्रामर में दिया गया इस चैप्टर के रिगार्डिंग, वो है गिव प्लस प्रो नाउन का. गिव प्लस प्रो नाउन का तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सम, यहाँ पे बताया गया है कि सम टाइम्स देयर इज़ अ प्रो नाउन एंड अ नाउन आफ्टर अ वर्ब सच एज गिव. द प्रो नाउन यूजली कम्स बिफोर द नाउन. यहाँ पे बताया गया है कि गिव जो शब्द है, गिव जो शब्द है उसके साथ प्रो नाउन यूज़ हो जाता है. Let us have this example. Henry is very fond of Clary. He gave her some flowers. We use her because Clary is mentioned here. तो देखिए पहला सेंटेंस का मीनिंग था कि Henry is very fond of Clary. Henry को Clary बहुत ज़्यादा पसंद है. He gave her some flowers. उसने Clary को, उसको यानी कि हर को कुछ फ्लावर्स दिए. यहाँ पे ये सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर जो प्रोनाउन है जो हर लगा वो इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर पहले ही क्लैरे के बारे में बता दिया गया था. तो हम जानते ही हैं कि प्रोनाउन वहाँ पे यूज़ होते हैं जहाँ पर नाउन के बारे में आप नहीं बोलना चाहते. द प्रोनाउन्स आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. तो यहाँ पर सिर्फ ये बताने की कोशिश की गई है कि जो हर आता है वो सम फ्लावर्स से पहले आता है. इसी ढंग से दूसरे ढंग से सेम सेंटेंस लिखा, दूसरे ढंग से जो है वहाँ पर टू जो लगा क्लैरी के साथ वो हम देखेंगे. हम अभी तक इस एक्सरसाइज में यही पढ़ते आ रहे हैं कि एक सेंटेंस तो जो बनता है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के इन्वॉल्वमेंट के साथ बनता है, लेकिन उसी सेंटेंस को आप बिना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बना सकते हो,
किसकी मदद के साथ? टू और फोर की मदद के साथ। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को हम पढ़ें, हेनरी बोट सम फ्लावर्स, हेनरी बोट सम फ्लावर्स, हेनरी ने कुछ फूल खरीदे, ही गेव देम टू क्लैरे, उसने ये जो फूल थे क्लैरे को दिए। यहाँ पर जो देम शब्द है ये फूल, ये किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है? ये फ्लावर्स के लिए यूज़ किया गया है। तो जो देम था वो क्लैरे जो शब्द था उससे पहले आया। तो आप इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हो। एक सेंटेंस में वैसे ही सेंटेंसेस हैं जो हम पीछे डिफ्रेंशिएट करते आ रहे हैं, ही गेव हर सम फ्लावर्स और यहाँ पर ही गेव देम टू क्लैरे, ठीक है। तो ये आपका थर्ड वन थी। अब आगे देखिए, आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दी गई है। पहली एक्सरसाइज में आपको कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं, आपने इन डायग्राम्स को यूज़ में लाते हुए वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को देख के अपना एक सेंटेंस क्रिएट करना है। जैसे कि पहला सेंटेंस है, हैरियट गेव माइक अ वॉच। आप देखिए वॉच यहाँ पे घड़ी दिखाई गई है तस्वीर में, तो हैरियट ने माइक को एक वॉच दी। आगे दिया हुआ है कि एक स्वेटर दिया हुआ है जो कि डेविड दे रहा है किसको? मेलनी को। तो इसके लिए कैसा एक सेंटेंस बनेगा? डेविड गेव मेलनी अ स्वेटर। ऐसे आप टू ट्रेवर फॉर लॉरा, ये स्काफ के बारे में आप बात कर सकते हो, और टेनिस रैकेट के बारे में बात कर सकते हो, और जो नेकलेस दिया हुआ है इसके बारे में आप बात कर सकते हो। अब देखिए बी जो है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाएं या टू लगाएं, ये आपने देखना है। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, जैसे लेट्स हैव एन एग्जांपल। सबसे पहले आप इस एक सेंटेंस की ट्रांसलेशन करेंगे, इससे आपको क्लैरिटी के साथ आप एक नया सेंटेंस बना पाएंगे जो कि आपको पूछा गया है। तो सेंटेंस था, डैनियल लेंट समथिंग टू विकी, इट वॉज हिज कैलकुलेटर। डैनियल ने कुछ विकी को दिया, उधार दिया। डैनियल लेंट समथिंग टू विकी, इट वॉज हिज कैलकुलेटर, ये उसका कैलकुलेटर था। तो आपने अंडरलाइन वर्ड को यूज़ में ला के एक सेंटेंस बनाना है जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, डैनियल ने लेंट किया था, डैनियल के बाद लेंट वर्ड भी यूज़ हुआ, विकी वर्ड भी यूज़ हुआ, और लास्ट में हिज कैलकुलेटर यूज़ हुआ, ठीक है। तो इट इज़ वेरी सिंपल टू मेक। आप देखिए नेक्स्ट है, मार्क सेंट अ मैसेज, आगे दिया हुआ है टू हिज बॉस। मतलब इट इज़ वेरी इजी टू मेक टू अंडरस्टैंड एंड टू क्रिएट द सेकंड सेंटेंस। आप इसको प्रैक्टिस में, ये आप जो फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई हैं ये आप करेंगे। आगे टू और फोर के बारे में है, ऐसे ही आपने जो पहली एक्सरसाइज हमने पढ़ी वो उसके माध्यम से, उसके मीडियम से जो हमने सीखा, ये आप फिलिंग द ब्लैंक्स करोगे। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि मार्क्स बॉस एट जेड को इज़ मिस्टर एटकिंस, ही इज़ टेलिंग पीपल टू डू थिंग्स। कहता है कि मार्क्स का जो बॉस है वो, उसका नाम है मिस्टर एटकिंस, वो लोगों को बता रहा है कि क्या काम करना है। तो आपने यहाँ पे या तो टू लगेगा या फोर लगेगा, क्या लगेगा ये सिंपल सा है, आपने बताना है। जैसे हम फर्स्ट वन लें, बुक अ फ्लाइट फॉर मी कुड यू, यहाँ पे फॉर लगेगा, फॉर मी, ठीक है। तो ऐसे डी है, हमने अभी सेंटेंस किया, गिव प्लस प्रोनाउन का रूल को मैंने डिफाइन किया, तो आपने इसको भी देखना है। मैथ्यू, व्हाई इज़ एवरीवन लाफिंग, अ फनी स्टोरी, अस। विकी आंसर, डैनियल टोल्ड अस अ फनी स्टोरी। मैथ्यू पूछता है, तुम सभी क्यों हंस रहे हो? तो विकी ने जवाब दिया, डैनियल ने हमें एक फ़नी स्टोरी बताई इसलिए हम हंस रहे हैं। तो ये भी आप आराम से कर पाओगे। सो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आ चुकी है।
थैंक यू सो मच।